हेलो दोस्तों वेलकम टू एएमसी क्लासेस आज है दस मई तो दस मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी के लिए कौन सा बोर्ड बनाया है तो आंसर है ओवरसाइट बोर्ड अब इस बोर्ड में कौन कौन सा शामिल है वो हम देख लेते हैं और इससे रिलेटेड फैक्ट हैं वो हम देखते हैं सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी के लिए ओवरसाइट बोर्ड बनाया है इस बोर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री नोबल शांति पुरस्कार विजेता कानून विशेषज्ञ प्रोफेसर और पत्रकार समेत सत्ताईस देशों के बीस लोगों को शामिल किया गया है नेक्स्ट भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा सबसे बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है तो आंसर है वंदे भारत मिशन अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देखते हैं क्या है भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन नामक सबसे बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग पंद्रह हजार भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी नेक्स्ट विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर है नौ मई अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो हम देख लेते हैं क्या है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है इसका आयोजन दुनिया भर में लुप्त होती प्रजातियों और प्रवासी पक्षियों में आई कमी को ध्यान में रखकर मनाया जाता है नेक्स्ट यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों वैग्यान, ने हाल ही में पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की है तो आंसर है एक हजार प्रकाश वर्ष दूर इस कुछ फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है एक हजार प्रकाश वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की है जो कि अभी तक का ज्ञात पृथ्वी से सबसे नजदीक का ब्लैक होल है साथ ही धरती के काफी पास ब्लैक होल के साथ नृत्य करते दो तारों को भी देखा गया है नेक्स्ट हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है तो आंसर है अशोक माइकल पिंटो नेक्स्ट मैक्स वफा के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो आंसर है कृष्णन रामचंद्रन अब इससे कुछ फैक्ट है वो हम देख लेते हैं क्या है मैक्स वफा के नए एमडी के रूप में कृष्णन रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है यह आशीष मल्होत्रा के स्थान पर आए हैं याद रखिए है किसके स्थान पर आए हैं आशीष मल्होत्रा के स्थान पर आए कृष्णन रामचंद्रन वर्तमान में बुफा के एम के साथ साथ सीईओ भी हैं तो मैक्स बुफा के CEO कौन है कृष्णन है कृष्णन रामचंद्रन नेक्स्ट निम्न में से किसने कोविड नाइनटीन पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा को लॉन्च किया है आंसर डॉक्टर हर्षवर्धन अब इससे भी कुछ फैक्ट है हम देख थे क्या है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन कौन से हैं हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डी के पचासवें स्थापना दिवस पर कोरोना वायरस पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा को लॉन्च किया है नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यू ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है तो आंसर है दिया मिर्जा अब इससे जो फैक्ट है वो हम क्या है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है इनका कार्यकाल दो तक के लिए बढ़ा दिया गया है इसके अलावा लोकप्रिय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की समर्थक भी रही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है तो आंसर है प्रवासी राहत मित्र अब हम देखते क्या है इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए संयुक्त तो राष्ट्र विकास कार्यक्रम यू के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है इसके अलावा यह ऐप उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगी और उनके कौशल के अनुसार नौकरी सर्च में मदद करने के लिए उनका डाटा एकत्र करेगी नेक्स्ट पूरे राष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई तो आंसर है चार सौ अस्सीवी जयंती अब ऐसे जो फैक्ट है क्या है राष्ट्र में 9 मई को महाराणा प्रताप की चार सौ जयंती मनाई गई उनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था हर साल 9 मई को बहादुर राजा के सम्मान में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है थैंक यू